हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप जो कैसे अपने रैंक को पुशअप कर सकते हो हीरोइक तक। तो गाइस मेरा जो भी एक्सपीरियंस है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको उसी तरह मतलब करना है। तो गाइस चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले आप जो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस आपको जो है रैंक खेलते वक्त आपको ये बातों को ध्यान में रखना है कि जिस बंदे से आप जो है रैंक मैच खेल रहे हो, अपने जो डुओ या स्क्वाड में हो, वो बंदा आपसे बात कर रहा है कि नहीं। अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप मतलब उस बंदे के साथ खेलो जो बंदा आपसे बात कर सके। तो फ्रेंड जो बंदा बात करता है उसके साथ ही खेलना, क्योंकि मतलब कोई भी सामान होगा, कोई भी मतलब चीज़ होगा तो आपको वो बंदा बता देगा यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, और फ्रेंड वो मतलब हेल्प बहुत करेगा। और आसपास में इनेमी होगा ना तो आपको बंदा बता देगा कि यहाँ पे इनेमी है, और आप जो है मतलब वहाँ पे जो है केयरफुल हो जाओगे। तो फ्रेंड आपको ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको रैंक मैच खेलना है अगर हीरोइक तक जाना है। तो अगर जो बंदा आपसे बात नहीं करता है ना उसके साथ नहीं खेलना है ना, तो आप मतलब आसपास में जो मतलब कोई भी इनेमी होगा ना तो वैसे आपको मतलब वो बंदा नहीं बता पाएगा, वो खुद वो छुप जाएगा, आपको मतलब आपको छोड़ देगा अकेला, आपको वो बंदा इनेमी जो है आपको मार सकता है। तो गाइस यहाँ पे ये हो गया। और चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको मतलब उतरना कहाँ पे। आप जैसे रैंक मैच खेलते हो ना तो आपको उतरना कहाँ पे, तो फ्रेंड आप डुओ खेल रहे हो ना तो आपको दो तीन घर दिख रहा है ना, आप जो मैप में आप कहीं भी देख सकते हो, अगर दो तीन घर दिख रहा है ना आपको उसके पास उतरना है। आपको वहाँ पे मतलब थोड़ा लूट करना है, दो तीन गन तो ऐसे ही मिल जाएगा तो आपको वहाँ पे लूट कर लेना है। तो फ्रेंड प्राइगेटी या बरमूडा में आपको दो तीन घर कहीं भी दिखे आसपास में तो आपको वहाँ पे उतर जाना है, उसके बाद आपको वहाँ से लूट करना है, क्योंकि दो तीन घर के पास कोई बंदा नहीं जाता है, मतलब बहुत ही कम चांस होता है वहाँ पे जाने के, मतलब जा सकता है, बहुत ही कम चांस होता है। तो आज आपको ये सब बातों को ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड आपको सिंपली क्या करना है, उतर जाना है, और उतरने के बाद आपको वहाँ पे लूट करना है। तो फ्रेंड आपको दो तीन तो गन मिल जाएगा, अगर जो एक डुओ खेल रहे हो ना, अगर दो जन आ रहे तो उसको मार भी सकते हो, अगर आपको गन मिल जाएगा ना पहले तो आप उसे मार भी सकते हो। तो फ्रेंड मैं इसी तरह खेलता हूँ, मैं जो है ना एकदम किनारे को उतरता हूँ, और उतरने के साथ अब मैं जो ना जोन के साथ खेलता हूँ, देख लो। तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत ऐसा बंदा होता है ना बीच में उतर जाता है और वो बीच में ही मतलब खेलता है ना, तो फ्रेंड आपको उस तरह नहीं खेलना है, रैंक खेलना है ना तो आपको मतलब एकदम किनारे की तरफ उतरना है, उसके बाद आपको मतलब आपको सर्वाइव करते जाना है। तो भाई आपको जोन के साथ खेलना है, मैं भी जोन के साथ खेलता हूँ, तो फ्रेंड आपको ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए खेलना है। तो भाई आपको वहाँ पर मतलब देख लो जोन आता है ना, तो फ्रेंड आपको वहाँ पर वार्निंग लिखा के आता है ना कि 10 सेकंड के बाद जो है जोन आना शुरू हो जाएगा। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, उस समय आपको जो सेफ जोन की ओर निकल लेना है, और कोई बंदा अगर आपको सामने दिखे तो आराम से मतलब आपको उसको छेड़ना नहीं, अगर वो बंदा भी भागेगा तो आपको उसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद आपको सेफ जोन में जाकर उसको मतलब जो भी करना होगा आप कीजिएगा, मारिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा। तो गाइस आपको मतलब इसी तरह करना है, आपको देख लो आप सेफ जोन से निकल रहे हो ना तो आपको मतलब कोई बंदा भाग रहा है तो उसे छेड़िएगा नहीं, आपको उसको जाने दीजिएगा, क्योंकि सेफ जोन के अंदर जाके भी आप उसे मार सकते हो। तो वैसे आपको ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है आपको सर्वाइव करना है। और फिर आपको देख लो आप बहुत बंदा होता है ऐसा ना कि कोई बंदा मतलब देख लो डुओ खेल रहा है ना, एक डुओ को मतलब एक जन को मार दिया, तो फिर वो मतलब बहुत ऐसा बंदा होता है ना कि वो जान के भी मैं उसे नहीं मार पाऊंगा, वो जाकर लड़ लेता है तो उसे मार देता है, वो दो जन मिल के इसे मार देता है। तो वैसे आपको वहाँ पर उस तरह नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको निकल लेना है, वहाँ से आपको निकल लेना है, आपको वहाँ पर जाकर लड़ना नहीं है। अगर आप जो दो जन के साथ खेल लो, अगर एक जन को मार दिया तो आपको वहाँ पर नहीं जाना है, आपको वहाँ से निकल लेना है, नहीं तो वो भी आपको मार देगा, तो आपका रैंक मतलब माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए खेलना है। देख लो मैं डुओ खेलता हूँ, अगर मेरे को भी मार देता है तो मैं उसे बोल देता हूँ तू निकल जाए यहाँ से, क्योंकि हम लोग का मतलब आराम से सर्वाइव कर लेंगे, टॉप 10 तक आ जाएंगे तो हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो वैसे कोई भी बंदा को मतलब मैं भी खेलता हूँ ना, अगर मेरा बंदा कोई भी मार देता है तो मैं वहाँ से निकल लेता हूँ, मैं भी स्क्वाड में खेलता हूँ, अगर तीन जन को मार दिया मैं अकेला बचता हूँ ना तो मैं वहाँ से निकल लेता हूँ, मैं आराम से सर्वाइव करता हूँ, मैं अकेले ही प्लस करा देता हूँ सब जन को। फिर आपको इसी तरह खेलना है, ये सब बातों को ध्यान में रख के खेलना है, तो आपको कभी माइनस नहीं होगा। तो वैसे आपको जो है लास्ट में जाकर आपको सिंपली क्या करना, छोटा जोन हो जाएगा आप टॉप 10 में आ जाओगे, तो फिर आपको वहाँ पे जाकर किल करना है। तो फिर आपको मतलब गुलगुल लगा कर आपको वहाँ पे दो तीन बंदों को किल करना है, तो आपको वो मतलब वहाँ पे जाकर आप जो दो तीन बंदों को आराम से किल कर सकते हो, और फिर आप साथ में भुजिया भी कर सकते हो अगर अच्छे से खेलोगे तो। फिर आपको ये सब बातों को ध्यान में रख कर ही आपको जो है रैंक मैच खेलना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर वीडियो पसंद आएगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।